आप सभी को याद होगा कि कल मैंने आपको क्या बोला था, और याद होना भी चाहिए क्योंकि कल की देखिए जो क्लोजिंग हमको देखने वाली थी 750 पॉइंटों के आसपास हम नीचे नेगेटिव में बंद हुए थे। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, क्लियर कट बोला था कि कल की क्लोजिंग से हमको बिल्कुल समझ में आ चुका है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से रिएक्ट किया। कल की वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि देखिए सबसे पहले जो वीडियो देखेगा वो मार्केट के अंदर पैसा बनाएगा, जो मैंने आपको एक हिंट दे दिया था। और आज के दिन अगर आप देखो तो मार्केट में जिसने पहले ट्रेड किया है रियल में पैसा उसी ने बनाया है, जिसने बाद में ट्रेड किया है उनकी हालत बेकार है। मतलब हालत बोल सकते हैं ना कि हालत बेकार है। अब ये हालत बेकार कैसे हुई, क्यों हुई, मार्केट ने ऐसा क्यों किया, किस किस के साथ किया, ठीक है, कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। 16 तारीख को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, मतलब डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिटेल में चीज़ें हमको जब भी समझ में आती है जब हम चीज़ों को पूरा देखते हैं, हम चीज़ों को पूरा समझते हैं, हमको समझ में आता है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर किसी को दिखाई देता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर किसी को पता है, लेकिन उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमको क्या करना है, हमको किस तरीके से डिसीजन लेना है मार्केट के ऊपर, वो हमारे ऊपर ही है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो 104 पॉइंट अभी हम नेगेटिव में दिखाई दिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 49,700 to 70 के आसपास देखिए हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने वाली, ठीक है। अब देखिए आज का बाज़ार किस तरीके का था, सबसे पहले अपन बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ समय से, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि बीच में आपको उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो इसका पैटर्न क्या है, कल का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो कैंडल पे हम नज़र देंगे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जे वाले कैंडल पे, ये हमारा 5 तारीख का कैंडल है, और ये रहा आज का कैंडल, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आज का कैंडल है, ठीक है। अब आज का कैंडल का हाई आपको कितना देखने वाला था, 49,958 के समथिंग, ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका हाई था, ठीक है, ये आज का हाई था। लेकिन अगर हम लो की बात करते हैं तो 49,600 ऑलमोस्ट 50 के आसपास हमको लो देखने वाला, ठीक है, ये इसका लो था। अब ऊपर से नीचे तक अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंटों की हमको रेंज देखने वाली, 300 पॉइंटों की। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखो तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको बोला था 300 से लेके 350, यानी 350, ठीक है, ये हमको रेंज कल के दिन मिली थी, यानी आज 300 के आसपास देखिए इसकी रेंज हमको देखने वाली। अब देखिए इसको समझे कि ये हमारा ये वाला जो कैंडल था ये 13 तारीख वाला कैंडल है, ठीक है। अब ये क्यों गिरा था आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो HDFC बैंक उसमें आपको सेलिंग देखने को मिली थी, और कितनी देखने को मिली थी आपको ऑलमोस्ट इस जगह 3 से 3.5% के आसपास की सेलिंग देखने वाली थी, ठीक है। आज मार्केट में इतना ज़्यादा देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए मॉर्निंग में यानी 9:15 के आसपास जिसने काम किया उसका पैसा बना डाउन साइड, ठीक है। उसके बाद जब वो आपका नीचे की साइड था, ठीक है, मार्केट आपका नीचे की साइड था, वहाँ से जो रिकवरी देखने को मिली उसका पैसा बना, लेकिन पैसा किसका नहीं बना, जिसने बाद में काम किया, ठीक है। अगर आप देखो तो जिसने देखिए ऑलमोस्ट आपका 10 बजे के बाद काम किया ना, उसके बाद देखिए मार्केट एक रेंज में काम करता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा टेलीग्राम चैनल पे इस जगह ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 9:30 पे, यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जिस सेलिंग हमको देखने को मिल रही थी, इस सेलिंग में देखिए यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, क्योंकि कल की वीडियो में भी मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका देखिए मॉर्निंग में सेलिंग आ चुकी है, ठीक है, और सेलिंग काफ़ी फास्ट आ रही है, फिर उसके बाद अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है, जैसे कि अगर आप देखो ना तो ये वाला जो दो कैंडल है उस दो कैंडल के बाद जो आपका तीसरा कैंडल बना था, जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो इस जगह आपको ये तीसरा कैंडल देखने को मिलेगा 9:31 पे, ठीक है, 9:31 पे। और जो आपका देखे इस जगह देखिए 29 मिनट का, और आपका 9:00 जो आपका 30 मिनट का, ये आपके दो कैंडल थे, जो दो कैंडल अगर आप देखो तो इस तरीके से ये दो कैंडल बन रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपका 9:31 वाला कैंडल था
उस 931 वाले कैंडल ने देखिए इसके हाई को ब्रेक किया था, यानी जो दो कैंडल के हाई को ब्रेक किया था। यानी इस जगह क्या दिखाई दे रहा है कि जो दो कैंडल आपको गिरते हुए दिखाई दी, ठीक है, जो दो कैंडल में हमको पैनिक दिखाई दिया, उसमें सिर्फ एक ही कैंडल ने पूरा रिकवर कर दिया था। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने पैटर्न भी बनाए थे, और फिर उसके बाद देखिए जो पूरा उसी पैटर्न के हिसाब से देखिए काम किया, और ऑलमोस्ट अपने जो आपका ऊपर वाला जो रजिस्टेंस था जो कि आपका 49,958 के आसपास, तो उसी रजिस्टेंस के आसपास से फिर हमको सेलिंग देखने वाली। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें आपको दिखाई दिया। फिर लास्ट में देखिए मैंने आपको एक पोस्ट और किया था ऊपर की साइड, अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 49,900 पे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये आपका इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। ठीक है, और सपोर्ट वाली मैंने क्या प्राइस की बात की थी, जो कि आपको देखने को बोलेगा 49,700 का आपका सपोर्ट है। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में देखिए जे इसी लेवल के आसपास आ रहा था, यानी अगर आप देखो तो इसी लेवल के आसपास आ रहा था। ठीक है, इसी लेवल के आसपास आ रहा था, लेकिन आपका बैंक निफ्टी 49,700 को देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। और उसके बाद देखिए जो आपका ये बिल्कुल देखिए इसी रेंज में देखिए आपका ये काम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, साइकोलॉजी को थोड़ा समझो आप। कल मैंने आपको क्या बोला था कि आज के दिन आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। ठीक है, क्योंकि कल बाज़ार बंद है। अब यहाँ पे आप समझो कि जे वाला जो आपको हाई देखने वाला था, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बैठे हुए थे, सेलर बैठे हुए थे। मैंने कल भी आपको बोला था यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे। ठीक है, अब जिस सेलर जो बैठे हुए हैं, जिस सेलर आपके पहले से क्या है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, पहले से क्या है, प्रॉफिटेबल है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना के रखा है। ठीक है, जैसे ही आपका जो ऊपर की साइड ओपन हुआ तो जो सेलर आपके एक्टिवेट है वो इस जगह देखिए एक्टिवेट हुआ कितने बजे, 9:15 पे, क्योंकि ये पहले से आपके क्या है, प्रॉफिटेबल है। ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ से क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया। ठीक है, जैसे देखिए लगातार सेलिंग किया, मैंने एक और चीज़ आपको बार बार बताया, हर बार बताया कि जब भी आपके बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, देखिए इस तरीके से आपके बड़े बड़े कैंडल बनते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में आपको बड़े बड़े कैंडल देखने मिलते हैं, और वो कैंडल आपको जब देखने मिलते हैं जब मार्केट आपका पहले से बहुत तेज़ी से नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, तो उसमें चांस क्या होता है कि जो आपके देखें यहाँ पर सीई लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके तो एसएल खा जाएगा मार्केट, क्योंकि वो कितना झेल सकते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी वाले दिन उनको सिर्फ 100 पॉइंट भी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडेक्स के अंदर, क्योंकि अगर वो बड़ी बड़ी कैंडल के अंदर गए ना तो उनका एसएल कितना होता है भाई, 20 पॉइंट 30 पॉइंट, बहुत से ज़्यादा लोग ज़्यादा वो ले सकते हैं रिस्क, वो 40 पॉइंट का रख सकते हैं, 50 पॉइंट का, इससे ज़्यादा कोई नहीं रखता। अगर इससे ज़्यादा कोई एसएल रख रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर किसी ने अपने एसएल को रखा है जो 30-30% 40-40% अगर एसएल रहा, फिर वो ट्रेडर नहीं है, वो बस ये है भगवान भरोसे चल रहा है उसका काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही देखिए मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे ये पूरे एसएल खा गए, किन लोगों के, इन लोगों के जो यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहे थे मार्केट को। ठीक है, इन लोगों को देखिए यहाँ पे एसएल खा गए। ठीक है, अब जैसे ही ये नीचे गए तो नीचे हमारे पास कौन सा एक प्राइस था, जो कि आपका देखिए 49,600, मैंने कल का 600 ही बोला था, क्योंकि उसके बाद फिर आपका 49,500 था। ठीक है, जो हमारा एक साइकोलॉजी प्राइस होता है, लेकिन कल मैं आपको यही प्राइस बोल के गया था कि इसके आसपास हमको सपोर्ट देखने मिलेगा। वहाँ पे आया, वहाँ से रिकवर किया, फिर एक ट्रेड दिया, फिर रिकवर किया, फिर उसके बाद ये आपका देखिए ये वाला जो जोन था, इस जोन में जो मार्केट फंसा, फिर उसके बाद निकला नहीं बाबूजी। फिर उसके बाद तो देखिए जिन लोगों ने कॉल बाइंग किया है, जिन लोगों ने पुट बाइंग किया है, जिन लोगों ने जो बाइंग किया है, उनका कुछ नहीं हुआ। अगर आप एटलीस्ट देखो तो कुछ भी नहीं देखने वाला। अब कल क्या हो सकता है तो इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए अगर आप देखो यहाँ पर चार्ट को, चार्ट को देखिए, चार्ट देखो क्लियर है आपके सामने, चार्ट को अगर आप देखो तो देखिए अभी भी ये आपके जो आपके सेलर थे, ये वाले जो सेलर है ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो सेलर है ये भी प्रॉफिटेबल है, और ये वाले सेलर तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल आ ही चुके हैं। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था 49,700, ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, और देखिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप लाइक नहीं किए हो तो आप लाइक कर लीजिए, और आज का देखिए लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1,000 लाइकों का,
और सब्सक्राइब का टारगेट रखते हैं इन 2 दिनों के अंदर। मुझे उम्मीद है आप 200 सब्सक्राइबर प्लस करवा दोगे इस वीडियो पे, ठीक है। और कमेंट आपके ऑलमोस्ट 100 कमेंट आना ही चाहिए, ठीक है। आप क्या कमेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हमारा टारगेट है। अब देखिए जैसे कि ये वाला जो प्राइस है, ठीक है, अगर ये इसके नीचे जाता है तो हमको नया सेलिंग देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? पहले से सेलर आपके प्रॉफिटेबल हैं। इसके नीचे जाएगा तो जितने भी लोग देखिए यहाँ पे होल्ड करके गए होंगे, ठीक है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा उनके तेज़ी से एसएल मार्केट खाने की कोशिश करेगा। फिर जिसमें अगर हम बात करें तो नीचे की साइड 49,600, फिर आपका 49,500, फिर आपका 49,400, फिर आपका 49,300, फिर आपका 49,200, फिर आपका 49,100, फिर आपका 49,000 तक हम इस जगह सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। यानी जो आपकी टोटल 600 पॉइंटों की जो आपकी रेंज है वो कवर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक दिन का आपको गैप मिल चुका है, ठीक है, मार्केट बंद है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इस जगह सबसे पहले 1 आवर्स के चार्ट को हम इस जगह समझते हैं। 1 आवर्स का चार्ट क्या कहना चाहते हैं? देखिए 1 आवर्स का चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लियर कट आपको 2 चीज़ें समझ में आ जाएगा कि अब जो फाइट हो रही है वो बड़े पैसे के अंदर फाइट हो रही है, ठीक है। इस जगह छोटा पैसा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे जो बड़ा पैसा है, जो मार्केट में स्मार्ट मनी है, अब वो यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसी जगह हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि सबसे पहले देखिए आपके FIS ने 5 तारीख को देखिए यहाँ पे सेलिंग किया 10,000 करोड़ के आसपास। 6 तारीख को देखिए 3,530 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने बोला। फिर उस जगह देखिए 7 तारीख को अगर आप देखो तो 3,314 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने बोला। और बिल्कुल बराबर ही से देखिए इस जगह DIS आपके माल खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। 8 तारीख को भी अगर आप देखो तो 2,626 करोड़ की सेलिंग देखने बोली और इस जगह 577 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने बोली। 9 तारीख को DIS ने भी इस जगह खरीदारी की 406 करोड़ के आसपास और DIS ने इस जगह 3,980 करोड़ के आसपास की खरीदारी की और FIS ने भी किया। फिर 12 तारीख को FIS ने फिर से सेलिंग किया 4,680 करोड़ की और इस जगह देखिए जो आपके DIS है उन्होंने देखिए इस जगह 4,477 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। अब देखिए 13 तारीख को क्या हुआ, 2,107 करोड़ के आसपास की हमको इस जगह बिकवाली देखने वाली। लेकिन अब की बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखें 1,240 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, जो DIS से थोड़ा सा कम है और जिसका इंपैक्ट हमको इस जगह मार्केट के अंदर दिखाई दिया। अब इस जगह अगर आप देखो तो 27,150 करोड़ के आसपास की नेट अभी बिकवाली कर चुके हैं FIS। लेकिन DIS अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को लगा 29,217 करोड़ की जगह खरीदारी कर चुके हैं DIS, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ आपको समझाया था कि अभी तक जो मार्केट को संभाले हुए थे या अभी तक जो मार्केट को संभाल रहे हैं वो जगह DIS का सपोर्ट है, ठीक है। और देखिए अमेरिकी मार्केट से तो हमको देखिए सपोर्ट मिल ही रहा था क्योंकि अगर आप देखो तो SPM 500 आपका 1.5% के आसपास तेज़ी के साथ बंद हुआ था। नेकडेस्क से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 407 पॉइंटों की यानी 2.5% के आसपास की तेज़ी हमको देखने को मिली थी और उस तेज़ी का हमको बिल्कुल भी असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जो असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसको आप समझिए कि यहाँ पे जो कैंडल आपकी बनी है अब इसमें रिकवर कैसे आ सकता है? देखिए रिकवर में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपका 49,800 ये आपका इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इस जोन पर देखिए मार्केट काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो सेलर इतने हावी थे मार्केट के अंदर ये इसको देखिए बिल्कुल आपका रेंज बाउंड किया। और इसके पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर 7 तारीख का क्या था, 7 तारीख का यहाँ पर सपोर्ट था। प्लस अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए 5 तारीख का भी हमको सपोर्ट देखने को मिला और ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 8 तारीख का भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट था। यानी यहाँ पे मल्टी टाइम आपको क्या दिखाई दे रहा था, मल्टी टाइम आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा था।
ऊपर से एक अच्छी सेलिंग आ चुकी है, सपोर्ट के पास है। तो अगर हमको तेज़ी चाहिए या हमको तेज़ी इस जगह मार्केट ला सकता है, तो इस जगह 49,800 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, और इसके ऊपर कैसे, ऐसे नहीं है कि आपको टेरेफ हो जाना है। आपने देख लिया इस जगह 1 मिनट का चार्ट, या आपने 5 मिनट का चार्ट देख लिया, या आपने 15 मिनट का देख लिया, या आपने 30 मिनट का देख लिया, नहीं। अब जो हम चार्ट देखेंगे वो चार्ट हमको कौन सा देखना है, हमको इस जगह 1 आवर्स का चार्ट देखना है, ठीक है। यानी 1 घंटे का हम चार्ट देखेंगे, और 1 घंटे के चार्ट में हमको क्या देखना है कि आपका ओपनिंग नीचे की साइड हो, लेकिन क्लोजिंग हमारा प्लस में होना चाहिए। यानी ऊपर की साइड हमारा क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि हमारा इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हमको देखने को मिलना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, इसके ऊपर दे देता है, तो हम इसमें अपसाइड मूवमेंट पकड़ेंगे, जिसमें आप ये समझ के चलिए कि 400 से लेके 500 पॉइंटों की आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप समझिए। थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह देखिए आपको चीज़ें अब बहुत क्लियर दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पे देखिए मैं इस चीज़ों को किस बेसिस पे कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका देखिए जब ये वाला कैंडल बना था, ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना था, इसके बाद देखिए एक ग्रीन कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब देखिए इसकी ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर की साइड होती है, ठीक है। यानी माइनस में क्लोज ओपनिंग हो और प्लस में आपकी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका ये वाला जो कैंडल था, इस कैंडल का और इस कैंडल का आपका हाई सेम था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, चलिए यहाँ पे आपके सेलर बैठे हुए हैं, और ये वाला जो कैंडल है, इसी कैंडल का लो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि चलिए यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है इसके लो के पास, ठीक है। अब आज क्या हुआ, ये वाला जो कैंडल था, देखिए आपका ग्रीन कैंडल था, इसका आप लो ले लीजिए, तो इसके लो का तो हमको आज क्या देखने वाला, इसके लो का देखिए इस जगह हमको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, और जो बड़ा वाला कैंडल है, इस बड़े वाले कैंडल का हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या देखने वाला, सपोर्ट देखने वाला, जो कि हमको देखिए मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि 49,700 का देखने वालेगा। अब देखिए इस जगह हो क्या रहा है कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ये इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, ये इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, तो अभी सभी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकलता है, जो कि आपका 49,800, तो ये फिर आपका अपसाइड मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस चीज़ को हमको यहाँ पे समझना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, आपकी जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो इस एक ऐसी देखिए क्लोजिंग है, यहाँ पे देखिए सेलिंग का तो मूवमेंट है, लेकिन जब मार्केट में सब चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिलती है कि हाँ भाई सेलिंग आना है, मार्केट उसी समय आपको ट्रैप करता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेलिंग करेंगे, और हमारा इस जगह 49,500 का तो एक बढ़िया सपोर्ट देखने को लेगा। अब देखिए ऑप्शन चेन को हम समझते हैं। ऑप्शन चेन में होता है क्या है कि जो वो डेटा है, जो डेटा में पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, इस डेटा में लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, इस डेटा में लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 13,07,100 का आपको ओआई देखने को मिलेगा कॉल साइड। लेकिन अगर आप देखो तो पुट साइड आपको क्या दिखाई दे रहा, 8,80,850 जो आपको क्या दिखाई दे रहा, पुट साइड, ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। अब देखिए लास्ट में जाते जाते अगर हम इस जगह डेटा को थोड़ा सही से समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो स्टैक प्राइस आपकी सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो, लेकिन लॉस आपका किस में ज़्यादा है, कॉल साइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टैक प्राइसों में लॉस है वो किस तरीके का है, देखिए आपको ये वाली स्टैक प्राइस में जो कि आपका 49,400, इसमें 160 पॉइंटों का, फिर आपका ये 55 पॉइंटों का, फिर आपको और नीचे आ जाइए 50 पॉइंटों का, और फिर और नीचे आ जाइए 140 पॉइंट, फिर आपका इस जगह 50,200 वाली स्टैक प्राइस है, उसमें भी देखिए आपका 139 के आसपास इस तरीके के आपको लॉस दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़े बड़े हैं। यहाँ पर आपको 50-60 पॉइंटों के आसपास का लॉस के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में नीचे की साइड हमको 49,500 का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है, डेटा कम है क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करता तो सीधे हम इस जगह 49,000 के आसपास आ जाते हैं, ठीक है, यानी सेलिंग फिर हमको बड़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 49,500, ठीक है, इस डेटा को आप ध्यान से देखिए,
यहाँ पे जो पोजीशन बनी हुई है वो आपका 50,000 के समथिंग की है, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी छोटी पोजीशन बनी हुई है, और फिर इसके बाद सीधे आपका 49,000 के पास आपकी पोजीशन बनी हुई है, जो कि कितनी बनी हुई है आपको ऑलमोस्ट इस जगह 44,000 के समथिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे भी क्या समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट लोगों का क्या है, नीचे की साइड ज़्यादा बाइंग करने का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर की साइड अपन बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है जो कि आपका देखिए 49,800, यानी कि हमको रेजिस्टेंस जोन देखने को लगा यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम है। इसको ब्रेक करेगा तो हम ऑलमोस्ट इस जगह 200 पॉइंटों का मूव दे सकते हैं, जो कि आपका 50,000। फिर 50,000 पे हमको बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि पोजीशन बड़ी है, और फिर इसके बाद हम सीधे इस जगह 50,300 तक अपसाइड जा सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, कंडीशन आप समझ लीजिए 49,800 को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको लेवल बता दिए मार्केट में किस तरीके से काम करना है, आपकी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है, आपको मैंने इस जगह पोजीशन बता दी है। और एक और चीज़ आप समझिए कि मार्केट बेरिश है, वो हमको लेके चलना है, लेकिन इसमें मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है कि अगर मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो आपके पास लेवल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, ठीक है। सारी चीज़ें वैसे मैंने क्लियर कर दी, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैंने आपके लिए पूरा चीज़ें इस जगह क्लियर की है, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।